गेड़ी उसरी नदी निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण। आज शुक्रवार को सिरसिया उसरी नदी में बन रहे नवनिर्मित पुल का निरीक्षण करने गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के द्वारा गुणवत्ता और कार्यों का जायजा लिया गया। माननीय विधायक ने निरीक्षण के बाद चैनल को संबोधित करते हुए कहा कि कार्य की गति ठीक है, उम्मीद है कि यह उसरी नदी पर बन रहा पुल तय समय पर बनकर तैयार हो जाएगा और इसी साल पुल का लोकार्पण हो जाएगा। साथ ही सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा वहां कार्य कर रहे कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों को हिदायत भी दी कि पैदल चलने के वाले बांस के पुल तक पहुंचने का रास्ता को तुरंत दुरुस्त किया जाए क्योंकि वह खराब हो चुका है और इस बांस के पुल से स्कूली बच्चे, महिलाएं और भी कई लोग जो इस पैदल चलने वाली पुल को उपयोग करते हैं, क्योंकि जब तक पुल निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक लोग इसी पुल के सहारे पैदल एक ओर से दूसरी ओर आने जाने के लिए उपयोग करते हैं, जिसे पुल थोड़ी कमजोर हो गई है। इसे मरम्मत करने की जरूरत है और पुल तक पहुंचने के लिए जो मिट्टी का रास्ता बनाया गया है उसे भी दुरुस्त करना आवश्यक है। पुराना पुल के निर्माण स्थल का जायजा लिया, काम की प्रगति देखी, समीक्षा की, मिला जुला कर काम संतोषपूर्वक चल रहा है और उम्मीद है निश्चित समय अवधि में यह पुल तैयार है। सर एक बात और कुछ पूछना चाह रहे थे सर, अभी जैसे सर ये अभी लकड़ी का पुल जो बना हुआ है ये काफ़ी कमज़ोर हो गया, तो ये इसको भी सर अब ठीक करने का तो अभी ज़रूरत है क्योंकि घटना घट सकता है सर यहाँ पर भी। ये बांस का पुल बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में मिस्त्री और इसको जांचते रहते और एक बात और जो जरूरत पड़ेगी उसको मरम्मती करते हैं। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर, जब इस पुल पे आते हैं तो वहाँ से सर जब डाउन में आते हैं तो काफ़ी सर वहाँ पे खराबी है। हमने बोल दिया है यहाँ ठेकेदार को उसको करने लायक। ओके थैंक यू।